अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फातिहा। हस्बना अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल्इकराम अला सय्यदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन वहुज्जतिही अलल खलाइक़ अजमाइन वलअनु दाइमतुल अबदियतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाहि अजमाइन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सदक़ अल्लाह व रसूलुहुल करीम वल अइम्मतुल मयामीन। दुरूद बर मुहम्मद व आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आली मुहम्मद। घणा मोमिनीन बीमार है तो बधे बीमारों ने दुनिया में ज्यां कहीं भी हो अहले बैतना चाहवावाड़ा बीमारी ने शिफा माटे अने जेटलो पण ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम माटे गया छे सलामती थी पाछा पोतपोताना घरे आवी जाए अने ज़ियारत कबूल थाय। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलावात। कुरान मजीद में सूरह हदीद आयत नंबर 25 अल्लाह नो इरशाद है कि बेशक हूँ मारा रसूलों ने मोकलायो दलीलों ना साथे रोशन प्रूफ साथे अने नबीओना साथे हूँ किताब मोकलायो व अंजलना नाजिल करो माहुमुल किताब वल मीज़ान अने साथे साथे एक बैलेंस पर आईपो नबीओ ने शू ऑब्जेक्टिव हतो लियकूम अन्नास बिल क़िस्त। कारण के जेथी बदे इंसान दुनिया में ज्यां पण भी कहीं हो इंसान इंसान अदल पसंद हो जाए। इंसान ने जस्टिस अने अदल अने इंसाफ नो सलीको आवी जाए। ये आखो रिसालत नो ऑब्जेक्टिव हतो अने हूँ कीधो जे बे त्रण दिवस मोर पण साथे साथे के ई जे अल्लाह नो ऑब्जेक्टिव हतो ई ऑब्जेक्टिव सुधी पोकवा माटे इंसान नी तरबियत जरूरी छे। ज्यार सुधी इंसान नी तरबियत ना थाय इंसान ई ऑब्जेक्टिव सुधी ना जाई सके ना पूगी सके। अने तरबियत में त्रण चीज़ नी तरबियत सौ इम्पोर्टंट छे। पहली तरबियत इंसान नी सोच अने विचार नी तरबियत। જ્યારે વિચારની તરબિયત ના હોય વિચારની તરબિયત કેવી રીતના થાય કે વિચારની તરબિયત એવી રીતના થાય કે ઇન્સાન પોતાની કારણ કે ઇન્સાનનો વિચાર એની આઈડેન્ટિટી છે। હર ઇન્સાનનો વિચાર એની આઈડેન્ટિટી વિચારથી ઇન્સાનની પહેચાન અને ઓળખાણ હોય કે કેવી રીતના ઇન્સાન છે। વિચાર ઇન્સાનની એવી રીતના આઈડેન્ટિટી છે કે દુનિયામાં જ્યારે વિચાર સારા હોય તો ઇન્સાન સારા કહેવાય। જ્યારે વિચાર સારા ના હોય તો ઇન્સાન ખોટા ઇન્સાન કહેવામાં આવે છે। અને સાથે સાથે જ્યારે વિચારમાં સ્ટેબિલિટી આવી જાય વિચાર મજબૂત અને મુસ્તહકમ અને પુખ્તા થઈ જાય વિચાર ઠોસ થઈ જાય તો ઇન્સાન કોઈ દિવસ પોતપોતાની આઈડેન્ટિટી ના ખોવાય। ઘણા આપણે જોઈશે કારણ કે આપણો દીન અને આપણો મઝહબ શું છે આપણો મઝહબ અને આપણો દીન આપણી આઈડેન્ટિટી છે। आपणी पहचान है। हवे मजहब शू है? मजहब फकत लिबासनु नाम मजहब नहीं। मजहब अमुक अफआल अने अमुक कामों नाम मजहब नहीं। मजहबनो आगाज अने शुरुआत थाय से अकीदो अने नजरियात थी। मजहब यानी तमे दुनियाना बारा में तमारो नजरियो अने राय शू है। वर्ल्ड व्यू आंग्ले में कहेवामां आवे छे, यानी दुनियाना बारा में तमारी राय शू है। हूँ जरा आंतरे करवा मोर यानी मेन सूजे तरफ आवा मोर ई बे त्रण बात छे बोलीने इंशाल्लाह मेन सूजे तरफ आवीश इंशाल्लाह। यानी जे आइडियोलॉजी छे अने राय छे, इंसाननो फिक्र छे, एमां सौथी बुनियादी छे। बुनियादी चीज शू छे कि दुनियाना बारा में तमारी राय शू छे। वर्ल्ड व्यू तमारो दुनिया बारा में तमे केवी रीतना तमे दुनियाने जोशो। एक फेर आपणे दुनियाना एम जोए कि दुनियाना कोई बनानावाळा नथी, कोई खालिक नहीं, कोई पैदा करवा वाला नहीं। कमाकान जारे कुफार कुरैश था ये बदे एम कहता था, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा युहलिकुना इल्ला दहर। ये जे दुनिया है, ये जिंदगी है, अपनी ईज जिंदगी है। अने ये आपणे गुजरी जाए दुनिया थी, इंसान जारे मरता होय तो ये जमानो है कि एनी मौत अने हयातनो सबब थाशे। कोई पैदा करवा वाला नहीं, कोई जिंदा करवा वाला नहीं, कोई मारवा वाला नहीं। यानी कोई खुदा नहीं दुनिया में। तमे जराक एक मिनिट माटे तमे विचार करी सको। आपणे आपणे दिमाग में अने मगज में तो जराक आँख बंद करीने सोची सके कि एक मिनिट तमे जराक एवी दुनिया ने तमे जो कि जेमां खुदानो कॉन्सेप्ट नहीं। ज्यारे दुनिया में खुदानो कॉन्सेप्ट ना होय तो दुनिया बीजी दुनिया होय, सौ लिब्र दुनिया। एमा यानी कई एक इंसान बीजा इंसान ना बारा में सोचवा मोर मोर पोता ना बारा में सोचे। यानी एक इंसान यानी दर इंसान की जिंदगी में सौथी इम्पोर्टंट एनी पोतानी लाइफ होय अने पोतानी जिंदगी होय। अने हुकूमत ना पण तमे जो, चाहे इंडिविजुअल लाइफ में जो, चाहे सोशल लाइफ में जो, मसलन कदाच तमे फैमिली लाइफ में जो, जिंदगी ना दर हिस्सों में इंसान नो मेयार अने जाबतो सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहीं बीजा कोई नहीं। कारण ज्यार सुधी मने फायदो पूछे हूँ सपोज चेरिटी करीश, ज्यार सुधी मने लाभ मळशे हूँ कोई अच्छा काम करीश, ज्यार सुधी मने लाभ मळशे हूँ कोईना साथे मुलाकात करीश, ज्यार सुधी मने लाभ मळशे मारो रिलेशन कोईना साथे थाशे। पण ज्यार सुधी मारा लाभ निकली जाए यानी मारा लाभ ना कहीं लॉस होवानो खतरा होय तो यांथी हूँ स्टॉप करूँ। ई क्या है? ई दुनिया में है कि जयरे अपनी आप मगज में आप वर्ल्ड व्यू जो है यहाँ फकत फकत इंसान की दुनिया है और कहीं खुदा नहीं। तो ई सो इम्पोर्टेंट दुनिया वारा में जयरे खुदा। हमें जराक हूँ पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करवा चाहूँ छूँ पर जराक इशारो करो छो तमे कि जयरे आपने आपणो मगज में फकत अपनी जिंदगी होय कि ना ये दुनिया ना हाकिम हूँ छो, ये दुनिया ना मालिक हूँ छो, ये दुनिया में जे पण थाय हूँ डिसाइड करीश। हवे तमे जो जे पण मुल्क में जे पण कंट्री में एवी रीतनो विचार होय तमे ई कंट्रीनो गुरूर अने घमंड फिरौन जेवा थाशे। फिरौन केम करता था? फिरौननो ई ज विचार हतो, ला आरिफु लकुम रब्बन गैरी, कि हूँ तमारा माटे मारा सिवाय कोई खुदा नथी ओळखता। ये फिरौननो विचार हतो। हवे जारे इंसाननो विचार एम थई जाए कि हूँ सौ अना रब्बुकुमुल आला, हूँ सौथी मोटो खुदा छूँ, हूँ यानी जे मेरे मेन सूजे छे याद सुधी तमे लाव छो। बस जरा ये आइडेंटिटी सौ इम्पोर्टंट, कारण कि आज जे मारी बात छे ई वातना ऊपर यानी रिलेशन से बहुत मोटा रिलेशन से आइडेंटिटी ना साथे। फिरौन शू कहे छे, ला आरिफु लकुम रब्बन सिवाई, मारा सिवाय कहीं तमारो खुदा नहीं। तकब्बुर अने गुरूर में गर्क अने डूबेला था फिरौन। आपणे आज जोई सके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि घणा मुल्को एम है कि ए लोकोनो विचार ई है कि मारा सिवाय तमारो कोई खुदा नहीं। हवे तमे जो कुरान की एक आयत है, मकरू व मकर अल्लाह, इंसान मक्कारी करे अने खुदा पण मकर करे। खुदानो चार चार चाराजोई कहेवाय आपणे उर्दू में कि इंसान गुरूर एम है कि हूँ सौथी पावरफुल, हूँ सौथी ताकतवर, हूँ सुपर पावर, मारा पास बधुं छे। पण ई जे शैतान ने खबर नहोती कि खुदा फ़िरौन ने एक मच्छर ना अस्तक जे मायरा एक मच्छर सबब थियो तो कि फ़िरौन यहाँ छे खुदा कोई दिवस इंसान जारे खुदा ना सामने उभी जाए कि हूँ सौथी मोटा छो खुदा ने कोई दिवस ना गमे। हवे ई आजनी जी मोटी मोटी दुनियानो सुपर पावर ने ताकत छे ए लोकोनो विचार में केम ई घड़ियों के आपणे सौथी मोटा छे ई सौथी मुसीबत जे हती आ वर्ल्ड व्यू में हती कि दुनिया में कोई खुदा नथी। हवे एक बीजा कारण छे इंशाल्लाह डिटेल थी जारे मौको मळे तो इंशाल्लाह तमारी खिदमत में बयान करीश कि एक तो सौ प्रथम कि दुनिया में हाकिम हूँ छो जयरे हूँ पोता ने दुनिया में हाकिम विचार करी लो तो मारा वर्ल्ड व्यू चेंज थी जाए। हवे पण खुदा नो इंतजाम एवा इंतजाम हतो कि कारण पर फिरौन ना मुकाबला माटे जनाबे मूसा अने जनाबे हारून हता ईज ई यानी सेम स्ट्रेटेजी अल्लाह नी आज पण छे। अल्लाह ई जमाना ना फिरौन नो जलील अने रुस्वा करवा माटे एवी रीतना इंतजाम करे कि एक नांडो मुल्क एक सौथी नांडो मुल्क अने 40 वेने कारण 2 साल थई गयो कि फकत सैंक्शन में छे आखी दुनिया तरफ थी मुसीबतों में छे पण एक नांडा मुल्क जमाना ना फिरौन ना सामने उभी ने फिरौन ने चैलेंज करे छे। ई केम छे यानी तमे जो यहाँ वर्ल्ड व्यू शू है दुनिया ने जो है खुदा बगैर यहाँ वर्ल्ड व्यू शू है बड़ी तकलीफ है बड़ी मुसीबत है। हवे हूँ एक 2-3 वर्ष मोर तमने सलमान रुश्दी यानी जे एनो विचार तो चोपड़ी जो लिखेला था एना बारे में बताया तो जयरे इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा सलमान रुश्दी कत्लनो हुक्म आपे छे ई फतवा नो तो हुक्म ने फतवा में फेर छे हाकिम शर जारे हुक्म आपे तो बदेना ऊपर बदे मराजे हत्ता ऊपर एनो एनी इत्तेबा ने तमाम इंसानों ना ऊपर यानी एनी पैरवी लाजिम छे। तो जारे ई हुक्म आईपा सलमान रुश्दी नो कत्ल कर कारण के रसूल खुदा नी तौहीन छे रसूल खुदा हमारी जान थी वधारे करता हमारा ऊपर हक राखे छे। जयरे कोई रसूल खुदा की तोहीन करे तो आप पर फरीजो है वाजिब है कि आप एंगर अने नाराजगी दिखाए दुनिया ने क्या मारी आइडेंटिटी है कोई मारी आइडेंटिटी ऊपर केम कोई मारा सामने मारा बाप ने अगर कोई तोहीन करे इंसल्ट करे हूँ खामोश रहो कोई ना मारा खानदान ने तोहीन करे हूँ खामोश रहो कोई दिवस ना थाय। रसूल खुदा मारा ऊपर मारी खानदान थी वधारे करता हक राखे छे। रसूल औला बिकुम मिन अनफुसिकुम रसूल तमारी नफ्सों थी वधारे करता तमारो पर हक राखे छे। जयरे दुनिया में कोई जगह पर रसूल खुदा ने तोहीन छाए तो आप पर फरीजों अने वाजिब छे। हूँ एक बात कहूँ छूँ आप नाना बच्चाओं ने जरूर है तमे नानपण थी ए लोकोना मगज में गड़ाओ ई बात कि रसूल अने मार आपणो इमाम जे छे आपणी जिंदगी में आपणो माँ बाप थी वधारे करता अहम है इम्पोर्टेंट है। जाड़े बचपन थी नानपण थी मगज में गड़ी जाए तो कोई दिवस मगज थी ना निकले। इमाम हुसैन हाले ब्रैकेट में कोचो प्रांतेज में इमाम हुसैन सौथी मोटो कमाल ई हतो कि नाना बच्चाओं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नी शहादत पछी कोई दिवस इमाम हुसैन नी शहादत साथे कॉम्प्रोमाइज नथी कर्या। नाना बच्चा 3 सालनी बच्ची 3 वर्षनी बच्ची एटली बधी मुसीबत जोई छे पण कोई दिवस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना कयाम ना विरोध में एक शब्द नथी कहती केम कारण के नानपण थी ए लोकोनो विचार एवी रीतना तरबियत थयो हतो कि नानपण थी हक नी हिमायत तो ई छे अल इल्म फी सगर का नक्श अल हजर। नानपण में जारे बच्चाओं मगज में तमे कोई चीज़ गड़ावी दो तो ई आखिरी जिंदगी तक बाकी रहे केम जारे पत्थर ऊपर तमे पाणा ऊपर कहीं कोई लिखो तो ई केटला वर्ष रहे एना ऊपर तो ई छे। तो नानपण थी आप पर फरीजो है कि आपड़ा बच्चाओं ने अने जेन ने बदे 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 समाजना नांडा मोटा छोकरा अने छोकरी ने आपणे तालीम करवू खपे। आपने जरूर है नानपण थी ए लोको ने दीन नी अहमियत नानपण थी आइडियोलॉजी नी अहमियत नानपण थी आइडेंटिटी नी अहमियत नानपण थी हिजाब नी अहमियत जारे तमे बयान करो जारे ई छोकरी मोटी थई जाए तो कोई दिवस हिजाब साथे कॉम्प्रोमाइज ना करे ई सो इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी इम्पोर्टेंट बात एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें इमाम खुमैनी जारे હુકમ આપ્યા તો પછી ઇમામ ખુમૈનીને કેમ કહે છે બધે એ જમાનામાં કારણ કે એ કીધા કે તમે જાઓ બ્રોડકાસ્ટિંગ મિનિસ્ટ્રીને કહો કે એ મારા જે હુકમ છે એનો અનાઉન્સ કરે ક્યાંથી રેડિયો અને ટેલેથી તો જે એનો સલાહકાર હતા એ આવીને કહે છે કે આકા જ્યારે આપણે એ અનાઉન્સ કરે તો આખી દુનિયા આપણા વિરોધમાં ઊભી જાય આપણનું જે પોલિટિકલ રિલેશન છે દુનિયાના સાથે એ તૂટી જાય છે दुनिया आखी दुनिया आपड़ा विरोध में आप कदाच पॉसिबल आप पर सैंक्शन आए कदाच पॉसिबल आप विरोध में बधे उभी जाए तो आप शू करें तो इमाम खुमैनी ने शब्द क्या शू बात थी हमारी फिरौन ना सामने अल्लाह नो इंतजाम ये आप असल मेन बात थी तो इमाम खुमैनी नो जवाब शू हतो ई नाना बच्चाओं ने कहो कदाच मारा बुजुर्गों बधे सामेला है इमाम खुमैनी नो जवाब इमाम खुमैनी एम कहे छे कि आपड़ा पासे आखे जारे आपणे हुक्म आपे अनाउंस करे तो दुनिया शू करे छे कदाच आपड़ा साथे जे बिजनेस नो रिलेशन छे अने पॉलिटिकल रिलेशन छे बधे कापी राखशे बधे अमेने मूकीने हायला जशे आपणे आइसोलेट थई जावशुं ई ज थशे कदाच पॉसिबल जेटलो बधे सैंक्शन राखीए तो आपणो इक्तिसाद अने बिजनेस अने इकोनॉमी डाउन थई जाए बहु मुसीबत थई जाए ई ज थशे कदाच पॉसिबल आपना विरोध में लोग जंग करे अने वॉर करे ईज थशे ना तो सांभळजो तमे बधे तमारा मगज में राखो आपना पास बे मोटी मोटी अहम चीज छे अने ई बे वस्तुना साथे आपणी आखी जिंदगी बतावी सके सौथी पहले आपना पास माह रमजान छे ज्यारे ए लोग आपणा उपर सैंक्शन राखे तो आपणे रोजा राखीने जिंदगी बतावी सके अने बीजो आपणा पासे करबला छे ज्यारे आपणा विरोध में जंग करे तो करबलाना जेम आपणे कयाम करीने दुश्मनना सामना करी सके यानी ई शुं छे आइडेंटिटी अने ई आइडेंटिटी अने आइडियोलॉजी सबब थई थी कि आजे दुनियाना सौथी मोटा शैतान अने फिरौन जलील थई गया अने अल्लाहनुं नाम बाकी रही गयुं ई शुं छे अने आइडेंटिटी सो इम्पोर्टंट एटली इम्पोर्टंट है तो हवे ई दर जमाना में हतो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जमाने आपणे आजे बात करवू छे कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जमाना में काले हूँ इशारा करो तो मारो इंडिकेशन हतो कि आजे खुतबोनो अमुक शब्दों तमारी खिदमत में पेश करी सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद तो बस ई मारा जे एटली देरनी हमारी बात थी एमा जे खुलासो अने रजू छे कि आपणे आपणी आइडेंटिटी उपर सौ नानपणथी विचार करें आपणो पर फरीजो छे आपणी आइडेंटिटी सेव करें हवे तमे जो आखी इस्लामिक हिस्टोर में सौथी इम्पोर्टंट पर्सनालिटी अने शख्सियत कोणनी हती इस्लामिक हिस्टोर में रसूल खुदा नी बेसत अने ज्यांथी रसूल खुदा ની રિસાલત શરૂ થઈ ત્યાંથી આજ સુધી ઇસ્લામમાં યાની સૌ પ્રથમ રસૂલ ખુદાની વફાત સુધી અને પછી આજ સુધી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સનાલિટી કોણ પર્સનાલિટી છે ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલાતુ વસલામ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जयरे तमे पर्सनालिटी इस्लामिक हिस्टोर थी निकालो अने काढ़ी नाखो खास करीने रसूल खुदा की जिंदगी में तो इस्लाम में काई ना बचे तमे इस्लाम में जेटली जंग थई थी रसूल खुदा की मोटी मोटी जो जंग थी ई मोटी मोटी जंगों थी तमे जयरे इमाम अली की जिंदगी इमाम अली ने हस्फ करो यानी तमे काढ़ी नाखो शू बचे छे જ્યારે રસૂલ ખુદાની રિસાલતનો આગાઝનો ટાઈમ હતો ત્યાં તમે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને જરાક નીકાળી નાખો શું બચે છે રસૂલ ખુદાની હિજરતમાં ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કે પૂરો આખો ઇવેન્ટ હતો જ્યારે એ ઇવેન્ટથી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને નીકાળો નાખો તમે શું બચે છે ને શું રહેશે એમાં રસૂલ ખુદાની હિજરત પછી તમે જ્યારે તારીખથી ઇસ્લામે એ શા માટે કહું છું કે અસલન દીનમાં રિસાલતનું ઇતમામ યાની રિસાલત મુકમ્મલ અને પૂરી નથી થતી જ્યાર સુધી તમે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામને સાથમાં રાખો એ કાંઈ લફાઝી નથી રિયાલિટી યાની કાંઈ હું એમ ખાલી તમને તમારો ટાઈમ વેસ્ટ કરવા માટે નથી કહેતું रियालिटी जैसे तमें मामली जिंदगी निकाली ना काढ़ी नाखो दीन असलन कहीं कोई समझी ना सके दीन में शू है दीन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग खोवाई जाए। हवे जयरे दीन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग खोवाई जाए शू रहे छे दीन में बधे पोतपोताना विचार अने राय प्रमाण दीननो डिस्क्रिप्शन करे दीननी डेफिनेशन बयान करे ई रही जाशे। बन्यु मैयानुं अने बन्यु मैयानो मोर मोर हवे आखो झूम कैमरानो झूम थयो। आजे तमने एक रिवायत बयान करीश तमे विचार थशे के तमे जो ई हवे आखी दुनिया बन्यु मैयाने कहे छे पण बन्यु मैया मोर या मोटी सियासत हती। इस सियासत पर जयरे ई पॉलिटिक पर जयरे आपणे विचार करें आपने खबर पड़े कि क्या थी इस्लाम ने यानी खत्म करवा माटे साजिश शुरू थई थी। ई दिवस में तो हूँ कीधु 2-3 दिवस मोर कि बन्यु मैयानी मोटी मोटी साजिश शुं हती कि लोकोने इस्लाम नथी गमतो रसूल खुदानु नाम नथी गमतो। हवे आपणे एना मोर जोए हाकिम शाम तो पछी तकरीबन 40 वर्ष या 30 वर्ष पछी जे मोटा थया हता शाम में एना मोर रसूल खुदा की आँख बंद था से तो बदे समझी गया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ना वगैर इस्लामिक हिस्ट्री इनकम्प्लीट इमाम अली अलैहिस्सलाम ना वगैर अकीदो इनकम्प्लीट इमाम अली अलैहिस्सलाम ना वगैर कुरान की आयतों की तफसीर इनकम्प्लीट कोई ना समझी सके। एक्चुअल में जंगों में रसूल खुदा ने जे जंगे बदे हती जे बदे वॉर हता रसूल खुदा नो एमा इमाम अली अलैहिस्सलाम ना वगैर इनकम्प्लीट कोई जंग में मोटी मोटी जेटली बड़ी जंग थी इमाम अली हता अलैहिस्सलाम। हवे रसूल खुदा नी जारे आँख बंद थई यहाँ थी सौथी मोटी साजिश अने पॉलिटिक अने शैतान छू जेटली पण रिवायत थे रसूल खुदा नी रिवायतों ना ऊपर सैंक्शन राखवामां आव्युं कि कोई इंसान ने इजाजत नथी के कोई रिवायत नकल करे जे पण रिवायत होय कांई कुरान नी तफसीर नी रिवायत होय या कोई आयत नी तफसीर नी रिवायत होय या कोई नी फजीलत नी तफसीर नी रिवायत हो रसूल खुदा नी अहादीसों मां जे पण कोई हदीसों नो नकल करे एना ऊपर पाबंदी। कोई माणस ने हक नथी के हदीसों नो नकल करे ठीक है। हवे एक तमने बदे खबर है यहाँ तो आपणे क्रिश्चियन मुल्क में आखी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बारे में बदे तमे स्टडी कर्या छो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह यहाँ सौ बनेला है अल्लाह बदे ने तरक्की बच्चाओं ने तरक्की आपे बुजुर्गों ने सलामत राखे अपना जेड ने पण बदे इंटेलेक्चुअल हज थे माशाअल्लाह बदे बनेला है सरखी रीते दीन समझी सके अने सरखी रीते विचार लोकोना मगज में गळी सके। हवे क्रिश्चियनिटी में शुं थयो छे 300 years 300 वर्ष क्रिश्चियनिटी में जे जनाबे ईसा अने मूसा अने तौरेत जुबूर अने इंजील मां लेखवामां पाबंदी हती कोईने इजाजत नहोती कि स्क्रिप्ट जो है तौरेत अने जुबूर की स्क्रिप्ट लिखे शा कारण शुं हतो। हवे एना हिस्ट्री है कहीं डिटेल में नहीं जातो हूँ कारण ये हतो कि ना ई तो सौ मुकद्दस अने एवी अजीम किताब छे केम आपणे ई मोटी किताब ने लिखे ना ई बराबर नथी कोईने रजा नहोती। 300 वर्ष जे इंजील अने तौरेत अने बाइबल हती ई लेखवामां नथी आवी अने एक बीजाना सीनाथी ई तौरेत अने ज़बूर अने इंजीलनो इल्म बीजी नस्लोमां मुंतकिल थातो ई हतो ए नथी से रियालिटी। 300 वर्ष पछी शू थयो ज्यादे बदे तहरीर एनी लिखावट शुरू करा तो एमां अमुक तहरीफ अंजाम पाई ना तहरीफ थई थी या नथी आजे जे एक्चुअल में किताब जनाबे ईसा उपर नाजिल थई थी आजे जे किताब छे ई एक्चुअल किताब नथी आजे जे ज़बूर एक्चुअल में जनाबे दाऊद उपर नाजिल थई थी ई ज़बूर आज नथी आजे जे जनाबे मूसा उपर तौरेत नाजिल थई थी ई तौरेत आज ई तौरेत नथी। घणो फेरफार थयो छे एमां तो जे फेरफार थयो छे ई सो नेचरल फेरफार कारण के ज्यारे 300 वर्ष तमे कोई चीज ना लिखो तो एमां घणो फेरफार नी पॉसिबिलिटी छे या नथी। हवे ई सेम स्ट्रेटेजी हती रसूल खुदानी वफात पछी જ્યારે रसूल खुदानी वफात थी और सकीफा में खिलाफत इमाम जाहिरी खिलाफत कोई दिवस असली इमामत तो कोई इमाम अली थी ना लई सके। असली इमामत अल्लाह नो ओहदो छे। ई जे जाहिरी कुर्सी थी इमाम अली थी बदे लई लीधा। जबरदस्ती खलीफाए अपॉइंट करा अने एना पछी अनाउंस करा कि कोईने हक नथी के रिवायत नकल करे। दलील शुं हती? ए लोकोम दलील आप्या कारण के एनाथी मोर जे बीजा नबी हता ए लोकोमना जमाना में जारे एनी वफात थई थी तो बीजा किताबना साथे जे बधे रिवायतो नकल करता था तो किताब अने रिवायत में अल्लाहनी किताब अने रिवायतों में जराक इश्तिबा थई गयो अने पछी किताब तहरीफ थई गई। एटले कोईने रजा नथी कि कोई रिवायत नकल करे कारण के अल्लाहनी किताब में तहरीफ थाय ए पॉसिबिलिटी छे। ई विचार हतो। हवे ई तो जाहिरी शब्दो हतो एना पीछे एक मोटी स्ट्रेटेजी हती। हवे तमे जो रसूल खुदानी वफात पछी जे रिवायतों में पाबंदी आवी ई तकरीबन 90 वर्ष सुधी पाबंदी हती। केटलो वर्ष? 90 वर्षनी पाबंदी पछी शुं थयो ज्यारे 100 हिजरी में 102 हिजरी में उमर इब्ने अब्दुल अजीज खलीफा थिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज पोतानी खिलाफत पछी अनाउंस करे छे कि आज सुधी कोईने हक नथी के रिवायत नकल करवा माटे कोईने रोके। बधे रिवायत रसूल खुदानी नकल करे, कई पाबंदी नथी। जे खलीफा दुम पाबंदी राख्या था हूँ ए पाबंदी कैंसिल करूँ छूँ। अने पछी कोईने हक नथी के इमाम अली अलैहिस्सलाम उपर कोई लानत भेजे। समझो यहाँ सुधी। हवे जारे रिवायत नू यानी लेखवामां शुरू थयो लिखाई रिवायतनी एना पछी एटलो झूठी रिवायत शुरू थई गई। अने पोते जोहरी जे हूँ कीधो तमे मोहम्मद बिन शहाबे जोहरी जे यहाँ हिस्टोरियन हता ई एटली झूठी रिवायत नकल करा। अने एना पछी बीजा घणा तमे सही बुखारी एटली मोटी किताब छे सही बुखारी माटे मशहूर छे के ई पोते जारे किताब लिखे छे ई मोहम्मद बिन इस्माइल ए बुखारी ई जारे किताब लिखे छे एना पासे तकरीबन 1 लाख थी वधारे करता केटलो 1000 अने लाखनी रिवायत झूठी खोटी रिवायत हती। तो ई बंदे खुदा शू करता था केम एटली झूठी रिवायत थी साची रिवायत निकाले? तो पोते जाता था वुजू करीने 2 रकत नमाज पढ़ता था, आँख बंद करीने इस्तिखारा जोता था। जे रिवायत माटे इस्तिखारो सारा आयो सारा निकळ्यो ई पते ई रिवायत निकलता। हवे तमे जो जारे झूठी रिवायत इस्तिखारा साथे आपे लिखे तो दीननो शू थशे? हवे समझो तमे तो ई स्ट्रेटेजी हती। हवे जारे रिवायत में पाबंदी आवी हवे सौथी मोटी जे पाबंदी हती आम रिवायत में नहोती। कुराननी तफसीर में जेटली पण रिवायत इमाम अली अलैहिस्सलाम फजीलत में हती ई रिवायतों में सौथी मोटी पाबंदी हती। हूँ तमने एक मिसाल आप एक सलवात बर मोहम्मद आल मोहम्मद रिवायत तमे जो केवी रीतना। हवे आपणे जारे ई समझी जाए तो पछी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नो खुतबो नो शू इम्पोर्टन्स हतो। इमाम खद्दा हूँ काले कीधो तो 30 फजीलत इमाम अली नी 30 इमाम अली नो जे खूबी हती इमाम सज्जाद पोतानो खुतबो में बयान कर्या था। ओके कारण रिवायत शू है? मुगैरा बिन शाबा या शैबा कहीं बीजो माणस थे शोबा। ये मुगैरा बिन शोबा जो है एक माणस कहे छे कि हूँ जनाबे अबूजर ने कीधो। जनाबे अबूजर तो मौला अली ना आशिक। ये कहे छे क्यारे कहे छे खलीफा अव्वल ना जमाना में कि इयाका अन यबलुगनी अन्नका तुधरो शैअन मिन फजल अली कि होशियार रहो मने कोई दिवस खबर ना पड़े कि तमे इमाम अली नी कहीं फजीलत बयान करो छो। कौन कहे छे? जनाबे अबूजर ने कहे छे। रीजन शुं हतो? हूँ अरबी ना पढ़ीश फकत ट्रांसलेशन तमारा माटे के टाइम आपणो बची जाए। कारण के कहे छे कि खलीफा नी रजा नथी खलीफा अव्वल नी। घणा एम कहे छे खलीफा दोम ना जमाना थी शुरू थयो छे रिवायत नो पर पाबंदी खास करीने इमाम अली नी फजीलतों में जे रिवायत छे ना ई एना मोर हती स्ट्रेटेजी। कहे छे कि खलीफा अव्वलनी रजा नथी जारे कोई इमाम अलीनी रिवायत नकल करे खलीफा अव्वल बो एना उपर जे एक्शन ले छे। अने कोईने रजा नथी के खलीफ इमाम अली अलैहिस्सलामनी फजीलत उपर कोई रिवायत नकल करे। हवे तमे जो जेटली पण इमाम अली सिद्दीक अकबर सिद्दीक અને ફારૂક અને જેટલું પણ મોટા મોટા લકબ અમીરુલ મોમિનીન એ બધે લકબ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસલામના હતા. અના સિદ્દીક, અનલ ફારૂક, હું સિદ્દીક છું, હું ફારૂક છું, એ જેટલી પણ મોટી મોટી સિફત મૌલા અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસલામની. હવે જેટલી મોટી મોટી સિફાત મૌલા અલીને હતી, જેટલી ફઝીલત મૌલા અલીને હતી, એ જમાનાથી શરૂ થયો. જ્યારે પાબંદી આવી રિવાયતો ઉપર તો આહિસ્તા આહિસ્તા, હવે એ તો પાબંદી થી પછી જ્યારે હાકીમે શામનો જમાનો આવ્યો, હાકીમે શામ શું ઓર્ડર આપ્યા? હાકીમે શામ ઓર્ડર આપ્યા કે જેટલો પણ કમાન્ડ હતો એનો, કે જેટલો પણ અલીના બારામાં, અલીના ફઝીલતોમાં રિવાયત છે અને આયતોની તફસીર છે, એ બધી આયાત અને રિવાયાતની તફસીર તમે બીજાઓને આપી દો, ઇમામ અલીથી નામથી જુદા કરો. એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, તમે બધે સાંભળ્યા છો શબે હિજરતની આયત. ક્યાં છે આયત? વમિનન્નાસી મન યશ્રી નફસહુ ઇબ્તિગા મરદાતિલ્લાહ. એ આયત 207 સૂરે બકરાની આયત છે. ये जारे रसूल खुदा हिजरत में जाता था तो मौला अली ने हुक्म आप्या कि तमें आज रात मारा बिस्तरों पर सोई जाओ. मौला कहना शू कहे जयरे मारा सोवा थी तमारी जान बचे छे, रसूल खुदा हूँ हाजिर छूँ. कारण के इमाम अली कोई दिवस रात में सोया नहीं, कोई रात एवी नहीं आखी जिंदगी में इमाम अली नी के जेम रात में इमाम अली बिस्तर पर होय. रात भर इबादत करता था, फकत ई रात छे, एक रात छे आखी अली नी जिंदगी में के जेना जी रात में अली बिस्तर पर छे, फकत आखी तारीख में. यानी इमाम अली पोते कहे छे कोई रात एवी नथी कि मने सितारा मारा बिस्तर पर जोए. इमाम अली नो फरमान छे. हवे इमाम अली सुई गया. मुआविया नो शू फरमान हतो? मुआविया कोने कहे छे? एक सलावत बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सुमरा इब्ने जुंदब एक माणस है, ई रावी है. मुआविया एने बुलाईने कहे छे कि ई जे मन आयत है जे शबे हिजरत नाजिल थई थी अलीना फजीलत में, तम ई रिवायत ना हूँ 400 यानी 4 लाख 400,000 दिरहम 4 लाख दिरहम तमने आपिस कि ई 4 लाख दिरहम तमे लो अने ई रिवायत ना तफसीर अने ई रिवायत कहीं बीजा माणसनी फजीलत में बयान करो. हवे तमे जो इब्ने मुलजिम इमाम अलीना कातिल ई सुमरा इब्ने जुंदब 4 लाख दिरहम लईने कहे छे ई रिवायत कि जे इमाम अलीना फजीलत में हती आयत, ई आयत इब्ने मुलजिम ना बारा में नाजिल थई थी. तमे जो शा माटे कि इमाम अली ने तारीख हिस्टोर भुलाई जाए अने जारे इमाम अली ने तमे निकालो तारीख थी तो काई ना बचे इस्लाम में. हवे एना मुकाबल में स्ट्रेटेजी जो आइम्मा नी स्ट्रेटेजी बनी उमैया नी बदी, यानी बनी उमैया मोर मोर बदी नी कोशिश ये हती कि इमाम अली नो नाम निकली जाए. हवे अहले बैत नी कोशिश शुं हती? अहले बैत नी कोशिश हती कि इमाम अली नो नाम बाकी रही जाए. इमाम हुसैन मदीना में हता अने मरवान बिन हकम मदीना नो गवर्नर अने इमाम हुसैन कारण कोई काम हतो इमाम सज्जाद ने मरवानना पासे मोकलाई छे. हवे जनाबे अली अकबर इमाम सज्जादना साथे हता, बंने साथे गया क्या मरवाननो दरबारमां अने जाईने जारे ऊभा थया मरवानना सामने वात करीने पूछे छे मरवान तारुं नाम शुं छे? तो इमाम सज्जाद कहे छे कि मारा नाम अली अने बाजुमां इमाम जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलातु वसलाम हता. कहे छे एनुं नाम शुं छे? तो कहे छे कि मारा नाम अली. तो मरवान कहे छे ई शुं छे कि तमारा बापा ने बदे ने नाम अली राख्या छे? बहुत गुस्सा थईने कहे छे. हवे इमाम सज्जाद पाछा आवीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एम कहे छे कि मरवान तो एम कीधा था, हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नो जवाब सांभळो. वैलुन अल इब्ने मरवान, इब्ने मरवान ना ऊपर वाय थाय के लौ वोलेदा ली मियतुन, अगर अल्लाह मने 100 छोकरा आपे तो हूँ 100 छोकरों नाम अली राखो. 100 छोकरों नाम शू राखो? हवे आपणे जो फकत ई नॉर्मल में एक बेटी नी, एक औलाद नी बाप साथे मोहब्बत हती या कई बीजी स्ट्रेटेजी हती? ई कई औलाद नी बाप साथे मोहब्बत नहोती. मने जारे कोई औलाद आपे, अल्लाह औलाद आप्या तो हम बदे औलाद नो नाम मारा बापना नाम पर ना राखीश या कदाच हूँ राखो तो मारा बाप थी मने मोहब्बत छे एटले हूँ राखू छू एक बे बस आली अव्वल आली दोम आली थानी ठीक है ना। हवे इमाम हुसैन फकत बापनी मोहब्बत माटे औलादनो नाम जेटली बदी इमाम हुसैननो जेटलो बदे छोकरो हतो औलाद यानी जेटलो बदे मेल औलाद हती बदेनो नाम अली हतो अने जेटली बदी फीमेल औलाद हती बदेनो नाम फातिमा हतो। तमे सांभळो छो फातिमा सोगरा, फातिमा कुबरा, फातिमा वस्ता, अली अव्वल, अली अकबर, अली असगर, अली औसत। अली औसत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नो नाम हतो। अली अकबर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम नो नाम हतो। अली असगर जनाब अली असगर नो नाम हतो। तो केम इमाम हुसैन बदेनो नाम अली 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 फातिमा 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 राख्या। एनो शू फिलॉसफी हती? फिलॉसफी सिंपल, तमे चाहो छो अलीना नाम तारीख थी हस्फ थई जाए, हूँ कोई दिवस तारीख था अलीना नाम हस्फ नाम किसके हस्फ थई। इमाम हुसैन स्ट्रेटेजी तो ई एक बराबर पैरेलल स्ट्रेटेजी थी हती अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हती। बस हूँ जरा आज जरा मारी बात कम्प्लीट ना था, इंशाल्लाह हूँ काले कम्प्लीट करीस, पर ई सो इम्पोर्टेंट है जेटली तमें रिवायत जो हूँ रिक्वेस्ट करो छो माशाल्लाह तमें वाँची सको गूगल में जेटली बदी बीजाओनी फजीलत तमें जोई सको हिस्टोरी में रसूल खुदा ना जमाना में जेटला बदी साहबी मोटा मोटा इलोने फजीलत नकल था से जेटला बदे इमाम अली अलैहिस्सलाम ना विरोधो यानी मुखालिफ था जेटलोपन फजीलत है बदे फजीलत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हती। बीजी कोई ना एवी फजीलत नो थी कि जेवी फजीलत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हती। हवे शू कारण कि जारे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तारीख थी निकाली दे तो इमाम अली ने जारे तारीख थी काटी दे तो तारीख अने दीननो बीजी तस्वीर अने बीजी एक सूरत तैयार थाशे अने पोतपोतानी राय प्रमाण बदे दीन ना साथे रमत गमत करी सके, दीन ना साथे फेरफार करी सके। ई स्ट्रेटेजी हती। हवे एना मुकाबल में आज एक मारा टाइम इंशाल्लाह बस जरक मुसीबत अने आज काल अपनी बातें आज नहीं बात तो काल हूँ कम्प्लीट करीस इंशाल्लाह। ओके तो आज बस दिमाग में रखो कि इंशाल्लाह एक बे त्रण रिवायत बीजी आती इंशाल्लाह काले तमारी खिदमत में बयान करीस कि केवी रीतना रमत गमत थयो छे हिस्टोर में कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ना नाम हस्फ थी जाए। हवे ना फकत नाम हस्फ थी जाए, नाम निकली जाए ना साथे साथ लोगों ना दिलों में नफरत आवी जाए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। ये कई मोटी बात ना थी। एक फेर तमे कोईना नाम तारीख थी निकालो अने ना फकत नाम नहीं निकालता अने एवी रीतना इमाम अली ना विरोध अने अगेंस्ट में एवी रीतना मीडिया काम करे छे ई जमाना में कि बदे इमाम अली थी नफरत हती बदेने। इमाम हसन ना सामने आवीने बदे इमाम हसन अने इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम हसन ने बापानी तौहीन करे छे। शाम थी आवीने घणा हाफिज कुरान हता, हाफिज कुरान अने जाहिरी तौर पर यानी अपेरेंटली ए लोग दीनदार हता, नमाज पढ़ता था बदे यानी आज जेम थाशे चाले ये पर डिटेल नो सूजू छे। घणा एम मोटा मोटा दीनदार जाहिर में था पण केम इमाम अली ने यानी तौहीन करे छे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम नी तौहीन करे छे, इमाम सज्जाद नी तौहीन करे छे। शू रीजन हतो? कारण शू हतो? कारण के ए लोग ओरखता नथी। आखी जिंदगी में नानपण थी ए लोगों बोलवामां आव्युं कि अली दीननो दुश्मन छे, अली दीननो दुश्मन छे, अली दीननो दुश्मन छे। तमे फकत नाना बच्चाओं ने कहूँ छो कि एक नानी तमे बरजो नाना नाना एक फेर नाना बच्चाओं ने कहीं जानवर थी वो लगाव थी जाए। नाना बच्चाओं ने मुआविया शू आप्या? बरद आप्या। बड़े रमता था साथे अने पछी बे त्रण महीना पछी कापीने दरवाजा ऊपर यानी पोर्ट ऊपर राख्या। सवार में जयरे नान बच्चा ऊबे छे अने दरवाजा पोर्ट खोले छे तो जोई छे कि जे बरद हती एना घरे ये नथी, एनो गर्दन कापी नाख्या तो रोए छे। तो जावे ए पूछे छे बच्चा कि ई कोण मारा बरद साथे एम कह रहा तो शू कीधा कि अली हता। हवे तमे जो ई बच्चाना दिल में अली नी मोहब्बत थाशे या नफरत एवी रीतना स्ट्रेटेजी हती इमाम अली अलैहिस्सलाम नी नफरत गळावा माटे लोकोना दिल में। हवे इमाम सज्जाद एवा शाम में गेला था अने एवा शाम में इमाम सज्जाद नी रिसालत हती कि शाम में जे नफरत बधी दिलों में हती। काले इंशाल्लाह एग्जाम्पल आपीश तमने તમે વિચાર કરો કેવી રીતના ઇમામ સજ્જાદે સ્ટ્રગલ કર્યા કે લોકોના દિલમાં જે નફરત હતી એ નફરત કાઢીને એમાં મોહબ્બત રાખે। એ ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલાતુ સલામની રિસાલત હતી। હવે આજ બસ અમારી વાત યાથી સુધી ખલાસ થશે। કાલે હું તમને કાલનો જો મસાયબ હતો એમાં ઇમામ હુસૈન અને જનાબે અલી અકબરનો રિલેશન कल के मसाइब में मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, करबला में प्यास बहुत थी, बहुत प्यासे थे, बच्चे भी प्यासे थे, बड़े भी प्यासे थे, औरतें भी प्यासे थीं, इमाम हुसैन भी प्यासे थे। हमें हमारा सवाल कि करबला में कल इंशाल्लाह जनाब ज़ैनब कितनी प्यासी थी और परसों बच्चे कितने प्यासे थे, ये बताऊंगा मैं। आज ये बताएंगे कि इमाम हुसैन कितने प्यासे थे। आप सब ने सुना है ना कि इमाम ज़माना का जब ज़ुहूर होगा तो इमाम ज़माना क्या मरसिया पढ़ेंगे, अय्युहल आलम इन्ना जद्दी कतलूहु आतशाना, ए दुनिया वालों मेरे जद को प्यासा शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने आके इमाम सज्जाद से कहा था कि बेटा सईद सज्जाद मेरे शियों को जाके मेरा सलाम कह देना और मेरे शियों से जाके कहना कि मेरे बाबा को प्यासा शहीद कर दिया गया। अल्लाह। अब मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताइए इमाम हुसैन प्यासे कितने थे? किसी को मालूम है प्यास कितनी थी इमाम हुसैन की? छोटे बच्चे तो चीख चीख के पुकार रहे थे, अल आताश अल आताश अल आताश। बच्चे आके इमाम हुसैन को कह रहे थे बाबा प्यास लगी। इमाम हुसैन प्यासे कितने थे? नहीं मालूम होता अगर करबला में एक वाक़या ना होता। अब एक और बीजा सवाल ये बताइए, खेमे में पानी नहीं था, सबको मालूम था, क्या जनाब अली अकबर को नहीं मालूम था? जनाब अली अकबर को मालूम था ना कि खेमे में पानी नहीं है, सबको मालूम था। इमाम हुसैन ने जब जनाब अली अकबर को रुखसत किया, इस मुसीबत को दिल पे हाथ रख के महसूस कीजिएगा, जनाब अली अकबर थोड़ी देर में वापस आते हैं। वापस आते हैं, आने के बाद जब जा रहे थे, जाने का मंजर खाली सुन लीजिए, जा रहे थे जब इमाम हुसैन ने गले लगाया और गले लगा के बहुत रोने लगे और उसके बाद फिर जनाब अली अकबर को रुखसत किया। जब जनाब अली अकबर जाने लगे तो थोड़ी दूर गए थे कि महसूस किया कोई आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तरह रेंग रेंग के आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप आ रहा। जनाब अली अकबर ने कहा अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, इसी तरह रोइएगा। इमाम हुसैन ऊपर जितना भी आंसू निकले, जितनी बुलंद आवाज़ से रो सकते हैं ऐसे रोइए कि जैसे किसी के घर में मैयत हो गई हो। पीछे मुड़ के देखा, कहा बाबा आपने तो हमें खुदाहाफिज़ कह दिया था। कहा बेटा बूढ़े बाप के लिए कितना सख्त होता है जवान बेटे को रुखसत करना। तुम्हें खबर नहीं है, रिवायत कहती है फिर आए, गले लग के बाप बेटे खूब रोए, इतना रोए कि रोते रोते गश आ गया। अल्लाह अकबर। होश आया, इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर को रुखसत किया, जनाब अली अकबर गए। अब जो अहम रिवायत है वो इम्पॉर्टेंट है कि इमाम हुसैन कितने प्यासे थे। अजीज़ों, जनाब अली अकबर गए, थोड़ी देर में फिर वापस आ गए। वापस आके कहते हैं बाबा लोहे ज़रा की जो तकलीफ़ है वो मुझे बहुत सता रही है, लोहे की ज़रा थी उससे बहुत तकलीफ़ हो रही है बाबा। इमाम हुसैन ने जनाब अली अकबर की ज़रा उतार दी जो ब्लड प्रूफ पहना था आपने। उसके बाद कहते हैं बाबा प्यास से गला सूखे जा रहा, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं बनी हाशिम की ताकत दिखा दूँ। हमें अब सवाल, जनाब अली अकबर को मालूम था कि नहीं कि इमाम हुसैन के भी प्यासे हैं? जनाब अली अकबर को मालूम था कि खेमे में पानी नहीं है, क्यों सवाल किया? यही फ़लसफ़ा था। सुनिए, जनाब अली अकबर से इमाम हुसैन ने कहा बेटा अपनी ज़बान मेरे मुंह में डाल दो। जनाब अली अकबर ने अपनी ज़बान इमाम हुसैन के मुंह में डाली। मुंह में डालने के बाद फ़ौरन ज़बान खींच ली और एक जुमला कहा, बाबा आपकी ज़बान में तो हमसे ज़्यादा कांटे पड़े। अजीजों, जनाब अली अकबर का इमाम हुसैन से पानी मांगना सिर्फ इसलिए था कि दुनिया को पता चल जाए मेरा बाबा कितना प्यासा है। इमाम हुसैन की प्यास दिखाने की नहीं, बस आखिरी मंजर। रिवायत क्या कहती है अजीजों, इसी पे बात ख़त्म कर दूंगा। इमाम हुसैन जब घर से निकले हैं ना अजीज़ों, आखिरी रुख्सत होने के बाद खेमे से निकले हैं, तो रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन के सर पर जो आसमान था आपको दिख नहीं रहा था। क्यों? प्यास के सबब आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। बस अजीजों, तो मजलिस खत्म हो गई। इमाम हुसैन की जैसी शहादत हुई ना, शहादत के बाद जुलजना जब वापस आया है, जुलजना वापस आया है, वापस आने के बाद दरवाजे पे आके जुलजना ने आवाज़ दी कि वाय हो हुसैन शहीद हो गए। एक मर्तबा दौड़े दौड़े एक बच्ची निकलती है, इमाम हुसैन की बेटी निकल के एक ही सवाल करती है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े ये बता दे मेरे बाबा को पानी मिला कि नहीं मिला, या मेरा बाबा प्यासा शहीद हो। इन्ना लिल्लाह पालने वाले मेरे माबूद इस इबादत को कबूल फरमा, बीमारों को शिफाता फरमा, गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, उलमा की हिफाजत कर, आयतुल्ला सिस्तानी आयतुल्ला खामनाई को तूल उम्र अता फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारी नस्लों में इमाम का खादिम बना, मातम हुसैन।